This is your IETJ mentor Vishal Singh and we are going to start the second part of this limit chapter. तो चलिए हमने पहले पार्ट में जो पढ़ा था आप लोगों को बेहतरीन कहानी याद होगी कि हमने राम और रावण के बारे में आपको रिलेट करके बताया था. क्या बताया था? कि जब कोई फंक्शन हमारा लॉजिकली गलत होता है तो हम उसे मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए कुछ टूल्स का यूज करते हैं जो कि हमारा लिमिट्स होता है. ये बेहद बेहतरीन चैप्टर है, आप इसको समझिए, आपको बेहद मजा आएगा. चलिए तो लिमिट्स में हम तीन चीज पढ़ेंगे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ. चलिए आप देखिए और समझिए कि व्हाट हम आखिर में लिमिट जो टूल है, औजार है, ये कैसे चीजों के लिए लगाया जाता है. तो अपन लोग जो देखेंगे लिमिट किसके लिए लगाया जाता है बालक, फंक्शन के लिए. जब भी कभी फंक्शन का डिस्कशन होता है तभी हम लिमिट्स लगाते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. चलिए व्हाई, आखिर हम लिमिट क्यों पढ़ते हैं? तो लिमिट पढ़ने के पीछे बहुत कारण होता है. इसमें हम जो मेजर इश्यूज है कि कहां कहां लिमिट्स यूज किया जाता है तो हम देखते हैं. टू मेक लॉजिकली रॉन्ग फंक्शन टू मैथमेटिकली राइट, हमने पिछले ही वीडियो में देखा था. आपको अगर याद होगा तो आप वहीं से मेरे को बोल दोगे, मैंने पिछले ही वीडियो में देखा था क्या कि अगर कोई फंक्शन आपका लॉजिकली गलत हो जाता है, मतलब लॉजिक के बेसिस पे वो गलत हो जाता है, तो हम मैथमेटिकली उसे करेक्ट करने के लिए लिमिट का यूज करते हैं. इसी तरह से दूसरा जो इसका मेजर यूज है फिजिक्स में है कि टू मेजर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या लिख दिया आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यहां क्या इसे रिलेशन है? तो मैं आपको बता दूं अच्छे से. इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मान लीजिए आप 1 बजे से 4 बजे शाम तक बाइक चला रहे हैं, आपसे कोई पूछ दिया कि 3:15:33 पे आपका वेलोसिटी क्या था, तो आप क्या बोलोगे? नहीं पता, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है. नहीं, आप लिमिट से उसका पता कर सकते हो. तो यही है लिमिट्स का फायदा, किसी भी इंस्टेंट पर, क्षण पर अगर आपसे कोई वैल्यू पूछा जाए तो हम लिमिट का यूज करते हैं. चलिए अबे हाउ, कि आखिर हम कैसे लिमिट्स निकालें. इससे पहले एक बहुत ही जरूरी चीज जो हम समझेंगे कि लिमिट जो होता है वो आपके लाइफ साइकिल का जैसा होता है. हम जैसे बोलते हैं कि जीवन हमारा 7 घड़ियों में बटा हुआ है, हम 7 जीवन लेते हैं, 7 जिंदगी होती है हमारी, 7 फेरे लेते हैं, बहुत चीजें आप सुने होंगे. तो उसी आधार पे ये 7 बड़ा लकी नंबर है. अगर कोई भी फंक्शन आप सॉल्व किए, ठीक है, जैसे हमने पिछले ही वीडियो में देखा था, अगर f(x)2-1/x-1 और अगर आपको रैंडमली कुछ पूछ दे कोई x=1 पे वैल्यू, तो आप बोलोगे 0/0. मतलब अगर 0/0 आ गया फंक्शन सॉल्व करने के बाद, या ∞/∞ आ गया, या ∞-∞ आ गया, या 1 का पावर ∞ आ गया, या 0 का पावर 0, या ∞ का पावर 0, या 0×∞, ये कुछ भी अगर आ जाएगा तो आपका फंक्शन जो है वो लिमिट का टूल लगाना पड़ेगा वहां पे. इन चीजों को बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म. क्या बोला जाता है बालक? इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब होता है जिसकी डिटर्मिनेंसी नहीं की जा सकती, मतलब जिसका एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं पता कर सकते हैं. आप अगर लिमिट यूज कर रहे हैं देन यू आर नॉट एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यू आर जस्ट एबल टू फाइंड द टेंडिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन. आप टेंड करता हुआ वैल्यू पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पाएंगे. तो आप समझिएगा, कोई हमसे पूछा कि सर आप बकवास कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं. सर क्या मजाक कर रहे हैं? 1 का पावर ∞ क्यों इनडिटर्मिनेट है सर? ये इनडिटर्मिनेट हो ही नहीं सकता, ये तो डिटर्मिनेट है. 1 पे पावर आप 0 चढ़ाओ तो भी 1 होगा, 1 पे पावर 1 चढ़ाओ 1 होगा, 1 पे स्क्वायर चढ़ाओ 1 होगा, तो 1 पे ∞ भी चढ़ाओ तो 1 ही होगा. ये क्यों मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, ये जो 1 है ये आपका एग्जैक्ट 1 नहीं है बालक, दिस इज टेंडिंग 1. आप समझिएगा गौर से, टेंडिंग 1 का मतलब होता है ये 1 के पास जाना चाह रहा है. मतलब अगर कोई ग्राफ है, मान लीजिए ये 1 का वैल्यू है, मान लीजिए हम यहां x लेते हैं, यहां होगा x-Δx और ये होगा x+Δx. ये हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि ये थोड़ा आगे जाएंगे और ये थोड़ा पीछे जाएंगे और ये हमारा x. इस पर मान लीजिए होल आ गया, कोई वैल्यू नहीं निकला, लेकिन x-Δx पे वैल्यू आपका 1 आ गया, 1 से थोड़ा कम ही होगा, मान लीजिए 0.99 होगा, और x+Δx पे आपका वैल्यू मान लो 1.1 आ गया. मतलब ये जो वैल्यू 1 है ये कभी 1.1
जीरो 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 वन होगा का पावर इंफिनिटी, कभी होगा 0.999999 का पावर इंफिनिटी। तो ये दोनों वैल्यू आपका सेम नहीं है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इंडिटर्मिनेट फॉर्म। मतलब आपका वन एग्जैक्ट वन नहीं, अगर एग्जैक्ट वन हो जाता तो हम कह सकते थे बड़े आसानी से कि आंसर वन होता, लेकिन दिस इज स्टैंडिंग वन। इसी तरह हमसे कोई पूछा कि सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैसे आपका हो जाएगा इंडिटर्मिनेट फॉर्म, बड़ा आप अजीब चीज बोलते, पागल हो गए आप। तो हाँ, ये भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्यों इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। मान लिया हमने कि मेरे पास एक स्टेडियम है, इसको हमने बहुत बड़ा स्टेडियम बोला, तो ये इन्फिनिटी हो गया आपका, इसको हम इन्फिनिटी वन बोल रहे हैं। और इसके अंदर एक छोटा सा बलून है, आप इसे भी बोल रहे हो बहुत बड़ा स्टेडियम और बहुत बड़ा बलून, दोनों अंदर है, आप देख सकते हैं, आप मजे ले रहे होंगे यहां पर। तो जब आप इन्फिनिटी वन माइनस इन्फिनिटी टू करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा है, और अगर इसमें इन्फिनिटी टू बहुत बड़ा घटाओगे तो कुछ ना कुछ शेष पार्ट तो बच जाएगा, ये आपका बचा हुआ पार्ट बच जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब आप क्या करते हो, आप बलून को फुला रहे हो, फुला रहे हो, फुला रहे हो, फुला रहे हो, बहुत फूल रहा है बलून आपका, और बलून फूलते फूलते आपका स्टेडियम के साइज का हो जाता है। किस साइज का हो जाता है बालक? स्टेडियम के साइज का, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली बलून जो है आपका वो स्टेडियम के साइज का हो जाता है। तब जब आप इन्फिनिटी वन माइनस इन्फिनिटी टू करोगे तो दोनों का साइज सेम है, तो आंसर जीरो होगा। आपका मन नहीं भरा, अब और फुला रहे हो बलून को, बलून फूलते फूलते इतना बड़ा हो गया कि स्टेडियम से बाहर आ गया बलून। तब जब आप इन्फिनिटी वन माइनस इन्फिनिटी टू करोगे, इन्फिनिटी वन अब छोटा हो गया है, इन्फिनिटी टू बड़ा हो गया, मतलब ये नेगेटिव रिजल्ट होगा। मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका जीरो भी हो सकता है, और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। सो ये लाइव एग्जाम्पल है समझने के लिए कि हम क्यों इसे इंडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, आखिर इसका आंसर क्यों एक नहीं हो सकता है। इंडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब होता है आपका कोई यूनिक आंसर नहीं होगा, आपका अनंत आंसर हो सकता है, यू कैन हैव इनफाइनाइट आंसर्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसी तरह से जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जीरो का पावर जीरो, इन्फिनिटी का पावर जीरो। हम देखिए, हमने रूल्स लिखे हैं यहाँ पे, बहुत मजेदार रूल्स हैं, लॉ ऑफ लव। जब मैं पढ़ाऊंगा आप मेरे वीडियोस को जरूर देखिए, आप पहले सब्सक्राइब करोगे तभी आपको अपडेट्स पता चलेंगे। तो लॉ ऑफ लव, ट्रिगर रूल, आपको नाम से ही लग रहा है कितना मजेदार रूल सब है, तो आप जब देखोगे वीडियोस तभी आपको समझ आएंगे। चलिए आप मेरी बात सुनिए, ये जो दो चीज है इसको बनाने का जो टेक्निक होता है, ये बहुत टेक्निक होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, फिर आप यहां पर सबसे आसान जो है वो है आपका एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं, उससे तो जरूर ही बन जाता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगर आ जाए आपके पास क्वेश्चन, तो आप इसे ऐसे नहीं बना सकते हो, आपको इसे रेशनलाइज करना होगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका है रेशनलाइजेशन मेथड। वन का पावर इन्फिनिटी, इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रिगर रूल का यूज करते हैं। जीरो का पावर जीरो और इन्फिनिटी का पावर जीरो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग अप्लाई करते हैं दोनों साइड, उसके बाद हम जो भी फॉर्म लगाना है लगा सकते हैं। इसी तरह से जीरो इंटू इन्फिनिटी को पहले हम या तो जीरो बाय जीरो या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद आप आराम से लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो ये कुछ विशेष बातें थी जो मैं आपको इस वीडियो से बता रहा हूं। अगले वीडियो से जो भी हम देखेंगे उसमें हम बहुत अच्छे अच्छे चीज सीखेंगे, कैसे आप किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत बना सकते हैं। तब तक के लिए आपके लिए थैंक्स, आपने वीडियो देखा, तब तक के लिए बाय।